हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। रेलवे की तरफ से फिर से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आया है, जहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले रेलवे की तरफ से जो वैकेंसीज निकल के आए उसी के बारे में। अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, किस तरह से एप्लीकेशन करना है, क्या है, सब कुछ आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। उससे पहले आप लोगों को बता देते, अगर आप लोग डेली जॉब अपडेट पाना चाहते हो देन आप लोग मास्ट विजिट कीजिए और ऑफिशियल वेबसाइट www.studywithshobhik.com, जहाँ पे आप लोगों को डेली जॉब अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए अभी आप लोगों को शुरू करते हैं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है रेलवे की तरफ से, जहाँ पे ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट है, और इस ग्रुप डी के अंदर 10th पास 12th पास ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुका हूँ, जहाँ पे ग्रुप डी के कर्मचारी के रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। जैसे कि हॉस्पिटल अटेंडेंट, ऑर्डरली, डिस्पेंसरी पियोन, स्ट्रेचर बेडर्स, वॉचमैन, सफाई वाला, सैनिटरी क्लीनर, इस तरह की जो पोस्ट है जिस पोस्ट के अंदर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते इन सारे पोस्ट के अंदर, तो किस तरह से एप्लीकेशन करना है आप लोगों को उसी के बारे में बात करने वाला हूं। पहले तो आप लोगों को बता देता हूं यहां पे एप्लीकेशन के पूरा डिटेल। तो चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को ऑफलाइन में ही फॉर्म फिलअप करना होगा। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों को दिखाया है वहाँ पे ही ऑफलाइन के फॉर्म दिया गया है, एंड उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। तो आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग पहले जो फॉर्म है आपको डाउनलोड करना होगा, एंड देन आप लोगों को जो इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप लोगों को भेजना होगा। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट अगर आप चाहते हो तो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका सीबीटी टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम, इस तरह की सब जो अपडेट है यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हो और सीबीटी टेस्ट देने वाले हो तो उनके लिए भी आपको प्रिपरेशन रखना होगा, क्योंकि अगर आपके पास प्रिपरेशन नहीं है तो आप लोग जो है इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो तो पहले आप लोगों को यही बात बताऊंगा कि आप लोग जो ऑफिशियली एग्ज़ाम के डिटेल्स दिया जा रहा है, जो एग्ज़ाम है, आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन रखिए। और इसके साथ इंटरव्यू भी होने वाला है, तो आपको अगर आप लोग सीबीटी में क्वालिफाई कर जाते हो देन आपका जो है इंटरव्यू में क्वालिफाई करना होगा। इस सेंट्रल के रेलवे की जो रिक्रूटमेंट है, जहाँ पे 5000 से 20000 अप्रॉक्स आपका सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे इसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड है एंड वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो मस्ट आप लोगों को यहाँ पे ऑफलाइन तो फॉर्म फिलअप करना ही होगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं चाहिए, तो मतलब नो एप्लीकेशन फ़ीस फॉर दिस पोस्ट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो भी कैंडिडेट कर रहे हो तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं चाहिए। और यहाँ पे 10th पास करके आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, 10th पास करके अगर कोई कैंडिडेट है तो और कैंडिडेट डेफिनेटली यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए आपको पहले जो है फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे आपका पहले आपका फ़ोटो, आपका नाम, पिता का नाम, आपका कौन सी पद और कौन सी जिया है, यहाँ पे आपका एज क्या है, आपका जो एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपको सब कुछ यहाँ पे देखना होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपका नाम और सिग्नेचर करके आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा और फिलअप करके आपको भेजना होगा इस सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल एड्रेस में, जहाँ पे आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करके भेज सकते हो। तो इसके साथ आपका कुछ डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, जैसे कि आपका ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपका एज प्रूफ सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, इस तरह की जो डॉक्यूमेंट होता है आपको उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है सेल्फ अटेस्टेड करके आपका जेरोक्स करके फॉर्म के साथ आपको जो है भेजना होगा। तो दोस्तों
इस तरह से आप लोग जो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक है, उसी लिंक को क्लिक करके आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।